सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास वजह सूरज बहारी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम मलेशिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया ने अनाउंस कर दिया है वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस एज फ्रॉम 1 जून 2022। इसी के बारे में वीडियो में एंड तक बात करेंगे। आप बन रहे वीडियो में एंड तक, नेक्स्ट टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप जहां भी होंगे से भी होंगे सेफ होंगे। दोस्तों पिछले एक महीने से मलेशिया ने टूरिस्ट की एंट्री जो है स्टार्ट कर दी है। अगर कोई जिसने वैक्सीन ले रखी है तो उन्हें क्वारंटीन फ्री वो एंट्री दे रहे हैं। बात करें इंडियंस के लिए दोस्तों, तो ये जो न्यूज़ है कल परसों अभी आई है कि मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी जो है चालू कर दी है 1 जून 2022 से। इसकी कुछ शर्तें हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में जानेंगे। वैक्सीनेशन और जो क्वारंटीन है उसका क्या सीन है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या है। दोस्तों अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं मलेशिया का, तो अगर आप इन चार कंट्रीज़ में से मलेशिया जाते हैं तो ही वो पॉसिबल हो सकता है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ब्रुनेई, ये चार ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनसे अगर आप मलेशिया में एंट्री लेते हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हैं। दोस्तों इन कंट्रीज़ का, अगर मान लो आप थाईलैंड से जाते हैं तो थाईलैंड का रेस्पेक्टिव वीज़ा आपको वहाँ दिखाना रहेगा मलेशिया के एयरपोर्ट पे। इसी के साथ आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट भी दिखानी रहेगी। बात करें हम वीज़ा के फ़ीस की, दोस्तों यहाँ जो वीज़ा की फ़ीस है वो 200 है मलेशिया की करेंसी में। उसकी करेंसी शायद रिंगिट है, तो वहाँ की करेंसी में 200 है। अगर हम बात करें USD में तो ये हो जाती है 45 रुपये। अगर हम बात करें INR में तो ये हो जाती है 3500 रुपये मलेशिया वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस। दोस्तों आगे बात करें वीज़ा की, जो वैलिडिटी होगी वो होगी 15 दिन तक आप 15 डेज तक आप रह सकते हैं मलेशिया के अंदर। इसी के साथ बात करें दोस्तों, अगर आपके पास फुली वैक्सीनेटेड वाला सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ मिलेगी क्वारंटीन फ्री एंट्री। किसी तरीके का क्वारंटीन आपको वहाँ फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप इन चार में से एक कंट्री से आप एंटर करें। जो सी रूट है, जो लैंड रूट है, मैं सब यहाँ आपकी लिस्ट में लगा देता हूँ जिसमें सारे रूट्स आपको बताए गए हैं। इन रूट से आप आ सकते हैं। इमिग्रेशन के वक्त आपको जो है वीज़ा दिखाना रहेगा। इसके साथ दोस्तों बात करें, ये जो न्यूज़ है 3 से 4 दिन पहले, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना के हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप वहाँ इमिग्रेशन पर जाएंगे तो वहाँ वो लोग $500 चाहे कार्ड में हो चाहे कैश हो वो मांग रहे हैं, और सेंट्रल बैंक ऑफ जो मलेशिया है उससे वो आपकी जो किसी भी तरीके की आपके पास मोड ऑफ पेमेंट हो, चाहे वो कैश हो चाहे वो कार्ड हो, उससे वेरीफाइड होनी चाहिए। तो दोस्तों $500 तो ऑब्वियसली बात है आपको रखने ही पड़ेंगे, वो चेक कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं ई वीज़ा की, तो दोस्तों हाँ बिल्कुल ई वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा ऑन अराइवल भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यह है कि सिर्फ चार कंट्री से आप एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों बात करें 18,000 जो है वीकली सीट्स ऑफर की जा रही है इंडिया टू मलेशिया। काफ़ी सारी एयरलाइंस है, मेलिंडो एयर है, एयर इंडिया है, काफ़ी सारी एयरलाइन जो ऑपरेट कर रही है, टोटल मिला के 18,000 सीट्स जो है यहाँ वीकली ऑफ़र करेंगे आपको। तो दोस्तों आना जाना तो बहुत आसान है, इसके अलावा फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ₹3500 वीज़ा की फ़ीस है, $500 आपको दिखाने रहेंगे, इसके अलावा रिटर्न फ्लाइट टिकट आपको दिखानी रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ नई न्यूज़ थी, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप मलेशिया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये आर्टिकल्स जो है पढ़ के विजिट कीजिए, लिंक्स पढ़ के विजिट कीजिए, क्योंकि न्यूज़ जो है कभी भी चेंज हो सकती है। आज डेट है 31 मई 2022 और 1 जून से ये न्यूज़ जो है लाइव हो जाएगी। जब भी आप ट्रैवल करें प्रायर चेक करें कि उस वक्त वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी चालू है या नहीं है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जाते आते हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसी किसी अगले वीडियो तक के लिए, बाय बाय।